नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। आज शुक्रवार 5 मई 2023 को चंद्रग्रहण लगेगा। इसके साथ ही आज बुद्ध पूर्णिमा और वैशाख पूर्णिमा भी है। इस चंद्र ग्रहण को दुनिया भर के कई देशों में देखा जा सकेगा, लेकिन भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा। भारत में दिखाई नहीं देने के कारण यहाँ पर ग्रहण का सूतक भी मान्य नहीं होगा। ग्रहण रात्रि 8:44 से शुरू होगा और देर रात 1:09 पर समाप्त हो जाएगा। धार्मिक और ज्योतिषी नजरिए से चंद्र ग्रहण की घटना अशुभ मानी जाती है, इसलिए ग्रहण के दौरान कुछ बातों को लेकर विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, जिससे कि ग्रहण के दुष्प्रभावों से बचा जा सके। जानते हैं ग्रहण के दौरान क्या सावधानी बरतनी चाहिए। चंद्र ग्रहण पूर्ण, अर्ध और आंशिक तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन आज 5 मई को लगने वाला चंद्र ग्रहण कुछ अलग होगा। इसमें चंद्रमा का कोई भी भाग कटा हुआ और अंधकार में नहीं होगा, क्योंकि यह एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। कहा जाता है कि यह पूरे 130 साल बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन लगने जा। चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि चंद्र ग्रहण के दौरान सुई धागे का काम नहीं करना चाहिए। खासकर गर्भवती महिलाओं को सुई में धागा नहीं डालना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दिन कोई भी शुभ या विशेष काम नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो चंद्र ग्रहण के दिन इसे टाल दें। चंद्र ग्रहण में तुलसी, पीपल, केला आदि जैसे पूजनीय पेड़ समेत अन्य पेड़ों को भी नहीं छूना चाहिए। ग्रहण लगने से पहले और ग्रहण के छूटने के तुरंत बाद व्यक्ति को स्नान जरूर करना चाहिए। इससे ग्रहण का नकारात्मक बहुत दूर हो जाता है। चंद्र ग्रहण के दौरान व्यक्ति को सोने से बचना चाहिए। खासकर गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान नहीं सोना चाहिए, इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। ग्रहण के दौरान बूढ़े से भी पूजा पाठ जैसे कार्य वर्जित होते हैं, लेकिन ग्रहण में ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की आराधना करनी चाहिए। आप भगवान का स्मरण कर सकते हैं और मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।